न्यूज़ 24x7 इंटरटेनमेंट के अपने दर्शकों का मैं गौहर हयात अपने इस खास सीरीज अच्छे दिनों की तलाश में स्वागत करता हूं। अच्छे दिनों की तलाश के हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं श्री पंकज श्रीवास्तव। श्री पंकज श्रीवास्तव एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम इनसे बात करेंगे अच्छे दिनों के बारे में। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताते रहे हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले चुनाव के अच्छे दिनों के वादों को एग्जामिन करने के कंसेप्ट पर तैयार हुआ है और पिछले 5 एपिसोड्स में हमने लगातार कोशिश की है कि हम अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स से ये जानने की कोशिश करें कि अच्छे दिनों के प्राइम मिनिस्टर के वादे का क्या हाल रहा। तो ये जो पूरी कोशिश है नैरेटिव को चेंज कर देने की, इसके ऊपर हम पंकज जी से बात करेंगे। पंकज जी, क्या एहसास रहा आपका मई 2014 के बाद? अब आपने इतनी बातें की तो उसमें मैं हर बात एक सवाल है, लेकिन आखिरी आपका जो वाक्य है वो सीधा सवाल है। तो मैं ये कहूँगा कि 2014 के बाद आज हम जब मार्च 2019 में बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा वो भारत नहीं है जो 2014 के पहले हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले ये देश, इस देश में सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नहीं था। और सब कुछ ठीक होता तो ये शायद आ भी ना पाते। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिस पर सहमति थी। वो था कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जहाँ पे विविधताएं हैं, हर तरह की विविधताएं हैं, धार्मिक भी, सांस्कृतिक भी, वैचारिक विभिन्नताएं हैं, सब अपनी बात कहते थे और कोई किसी को देशद्रोही नहीं कहता था। आज आप सत्ता और सत्ता को संचालित करने वाली विचारधारा के विरुद्ध हैं तो आपकी इस देश में कोई जगह नहीं है। आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा, आपको देशद्रोही कहा जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों के साथ खास तौर पर उन्हें अलगाव में डालने की ऐसी बड़ी परियोजना सरकार की ओर से कभी नहीं चली। ऐसा नहीं कि पहले मुसलमान बहुत अच्छी स्थिति में थे या पिछली सरकारों ने बड़ा उनका उत्थान कर दिया। तुष्टिकरण जैसा शब्द चलाया जाता है वो एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि अगर बातों से पेट भरा जा सकता, कोई अगर तुष्टिकरण मतलब तुष्ट होना, संतुष्ट होना जी। अगर वो संतुष्ट होते, अगर तुष्ट होते यानी हृष्ट पुष्ट होते तो फिर सचर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे नतीजे नहीं आते। जाहिर है सत्ता ने मुसलमानों के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ उठ बैठ कर, उन्हें कुछ पद वद देकर व्यापक जो मेहनत का शवाम है उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन आज वो सारे लोग, चाहे वो अशराफ रहे हों जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी थोड़ी स्थिति ठीक रहती है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको राजनीति से, समाज से हाशिए पर फेंकने की तैयारी। ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान से आप जीते ही इसी उस पर थे कि आपका जो आइडिया ऑफ इंडिया था उस पर सबके लिए जगह थी। आपने धर्म के आधार पर देश नहीं बनाया और इस देश में करोड़ों मुसलमान इसलिए रह गए कि वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ थे, ना कि इंडिया में भरोसा करते, ना कि वो एक जो इस्लाम के नाम पर बनने वाला एक नया मुल्क, उसको उन्होंने नकार दिया था। तो उन्होंने शायद सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, उनके अपने रिश्तेदार तमाम लोग ये मुल्क छोड़कर चले गए। उनके सामने भी अवसर था, इस देश में किसी हिंदू के सामने अवसर नहीं था कि वो छोड़ के चला जाए और पाकिस्तान में बस जाए, मुसलमानों के सामने था। उन्होंने उसको नकारा और वो भारत में रहे। तब इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनके उनके इस एहसास को और बेहतरी की ओर ले जाती, पर बदकिस्मती से 2014 में जो सरकार आई, जो दरअसल विकास वगैरह के बड़े बड़े बातें करके आई, उसने आने के बाद जो ये काम किया है, क्योंकि विकास का तो कुछ काम हुआ नहीं, जो ये काम किया है वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दरअसल वो उसके आने के पीछे जो एक पूरा 1925 से आरएसएस के निर्माण के बाद जो अभियान चला है वो विकास के लिए था भी नहीं, वो इसी के लिए था, उन्हें एक हिंदू पाकिस्तान बनाना है। तो आज विकास का जो मोर्चा है उस पर भी असफलताएँ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नौकरी का सवाल हो। अभी आया कि नई नौकरियां तो छोड़िए, तो सरकारी आंकड़े जिसको सरकार ने छिपाया है, करोड़ों लोगों की जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे वो चली गई हैं,
हर मोर्चा, आप चाहे वो आयात निर्यात को देख लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, या भारत में लोग कितने संतुष्ट हैं उसका एक खुशी का भी क्वोशेंट आता है। जी आप वहाँ भी बिल्कुल, बहुत पीछे चले हैप्पीनेस गए हैं, इंडेक्स में हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में आप बहुत आगे हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स में आप इंडेक्स बहुत बहुत पीछे पीछे। हैं। ये है आपके अच्छे दिनों की हकीकत। लेकिन सरकार चाहती नहीं कि इस पर बात हो, सरकार चाहती कि बात हो पाकिस्तान पर, सरकार चाहती है कि बात हो हिंदू मुसलमान पर, सरकार चाहती है कि वो बात हो एयर स्ट्राइक पर, सेना के गौरव पर। सेना तो हमेशा गौरवशाली का विषय रही है जी, है बिल्कुल और किसी भी देश के लिए सेना गौरव की ही बात होती है, जी इसीलिए सेना बिल्कुल बनाई ही जाती है कि वो उसके गर्व और प्रतिष्ठा की रक्षा कर सके। ऐसा नहीं कि इसके पहले भारत में सेना नहीं थी या इसके पहले इस देश में लड़ाइयाँ नहीं हुई और बड़े बड़े कारनामे नहीं हुए, लेकिन कहीं जाके बम फेंक कर भाग आना या रात में जाके घुस के कुछ मार देना और फिर चले आना, ये कभी प्रतिष्ठा की बात नहीं होती। एक सैनिक परिवेश में अगर सैन्य इतिहास देखें तो इन सबको तो मामूली से मामूली फुटनोट पे भी जगह नहीं मिलती। युद्धों के इतिहास में क्या है जिसको ये सब? उपलब्धियां कहकर जी जी प्रचारित किया जी जा रहा बिल्कुल है, बिल्कुल, उनको कोई जगह नहीं मिलने ना ना वाली है बिल्कुल नहीं, इतिहास में। बिल्कुल, क्योंकि आप कहते हैं हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा, पाकिस्तान कहता हमने घुसकर मारा, ये सही बात है, उसके भी जहाज आपके 4 किलोमीटर तक अंदर आए, उसने भी कुछ गिराया, आपने भी कुछ गिराया, तो ये तो हमें लगता है बचपन में जैसे गेंतड़ी का खेल होता था उस तरह से आप उनको मार रहे हो, वो आपको मार दिया। इसमें कौन सा गौरव है, कौन सा गर्व है, कौन सी आपने नई चीज, नई रेखा मानचित्र पर खींच दी, कौन सा मतलब आतंकवाद उसके बाद रुक गया? क्या पाकिस्तान के साथ इस रुख से कश्मीर की समस्या हल हो गई? बल्कि सच्चाई ये है कि आज से 2014 के पहले जो सरकार थी, जिसे हम कमजोर मौन मोहन की सरकार कहते हैं, उस समय कश्मीर में ज्यादा खुशहाली हमें दिख रही थी, कश्मीर में चीजें नॉर्मल हो रही जी थी, नॉर्मलसी की तरफ नॉर्मल सी जाता थी, हूँ। और इतनी घुसपैठ की घटनाएं नहीं होती थी, होती थी पर इतनी नहीं होती थी। तो कोई भी नीति अपने में साध्य नहीं होती, वो साधन होती है। यानी आपने एक पॉलिसी अख्तियार की जिससे आप एकदम मैस्कुलिन, मतलब बड़े मर्द हैं 56 इंच वाले, पर जी हुआ क्या, हुआ क्या? मतलब अगर आपको कपड़ा सिलना है तलवार से थोड़ी सिलेंगे, देखा तो ये जाएगा कि वो कहावत है ये, जहां कौन सी काम चीज आवे का हम सुई मुफीद जी का कर सके तलवार। तलवार। तो आपका जो स्टेट्समैन होगा भारत में, उसकी इतिहास में जगह इससे बनेगी कि उसने कश्मीर समस्या को हल किया या नहीं किया, वो इससे नहीं बनेगी कि आपने घुसपैठ पे कितने गोली चलाई, कितने बम फिंकवाए या फेंके। उनका कोई अकाउंट भी नहीं होता, बिल्कुल, उनका कोई यानी हिसाब भी नहीं असली बात है रहता। कश्मीर आज ऐसी जगह पहुंच गया है आपकी नीतियों की वजह से कि जो लोग भारत का तिरंगा लेकर उस घाटी में चलते थे, चुनाव लड़ते थे, आज आपने उनकी पीठ दीवार पर जाने को मजबूर कर दिया। आपने सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहां पर रोक दिया, सबको संदिग्ध बना दिया, और हालत यह है सिर्फ इसलिए कि आप बाकी देश में कश्मीर और कश्मीर के जरिए मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाए और इस आधार पर जो गैर मुस्लिम या हिंदू हैं उनको गोलबंद करें और ये चुनाव जीतें। ये कश्मीर के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ किया गया छल है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा भारत है जिसकी कल्पना कम से कम स्वाधीनता आंदोलन के नायकों ने, हमारी संविधान सभा ने, जिन्होंने बनाया इस देश को, जो एक संसदीय जनतंत्र गणतंत्र की ओर ले गए, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा था।